क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। केएल राहुल को टीम इंडिया की टेस्ट टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल हैं, टीम में शामिल नहीं है, इसीलिए राहुल को वाइस कैप्टन बनाकर बड़ा ओहदा दिया गया है। टेस्ट टीम का उपकप्तान टीम इंडिया में बड़ा पद है और ये बड़ा पद राहुल को दिया गया है, जो कि पहले ही लिमिटेड ओवर्स के भी फुल टाइम उपकप्तान बन चुके हैं। लेकिन राहुल को ये उपकप्तानी ऐसे ही नहीं मिली, जी हाँ, इस पर खासा संग्राम हुआ। यहाँ तक कि विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच एक बार फिर मामला विवाद तक पहुंच गया और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी वजह से रोहित शर्मा को सीरीज से बाहर होने के भी करीब एक हफ्ते बाद काफी देरी से टेस्ट टीम के नए उपकप्तान का ऐलान किया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक नहीं बल्कि चार चार नाम उपकप्तानी की रेस में शामिल थे। तो क्या हुआ पूरा मामला, क्या है इनसाइड न्यूज और कौन है वो चार नाम, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के टूर पर है और तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच बॉक्सिंग डे यानी कि 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लिहाजा ठीक एक हफ्ते पहले टेस्ट टीम का नया उपकप्तान केएल राहुल के रूप में ऐलान किया गया है। अब टेस्ट टीम का कप्तान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीच मैच में भी कई बार ऐसा होता है जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, कई बार कप्तान भी बीच में बाहर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उपकप्तान ही मैदान में टीम को संभालते हैं। लिहाजा क्लियर मैसेज होना जरूरी था कि टेस्ट टीम में उपकप्तानी कौन करेगा जब विराट कोहली मैदान से बाहर आएंगे। अब रोहित के चोटिल होने के बाद पहले खबरें आई कि बीसीसीआई वाइस कैप्टन किसी को भी घोषित नहीं करेगा, बस विराट जब मैदान से बाहर जाएंगे तो वहीं पर किसी सीनियर खिलाड़ी को कप्तानी सौंप कराएंगे। मगर असली मामला ये नहीं था, बल्कि असली मामला वाइस कैप्टन की लड़ाई का था। जी हाँ, रहाणे को पहले उपकप्तानी से हटा चुका था और अब फिर से रहाणे को उपकप्तान बनाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सीनियर गेंदबाज रवि अश्विन को उपकप्तान बनाने की बात कही गई। जी हाँ, जब विराट से इस बारे में बात की गई तो विराट ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, विराट ने कहा कि अफ्रीका जैसे बड़े और अहम टूर में हम अश्विन को हर मैच में नहीं खिला सकते, अगर जरूरत पड़ी तो अश्विन को टीम से बाहर भी किया जा सकता है और दूसरे गेंदबाजी विकल्प भी आजमाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर अश्विन को वाइस कैप्टन बनाया जाता है तो फिर रहाणे जैसी ही कंडीशन होगी, उसे हर मैच में खिलाना होगा जो कि टीम के लिए नुकसानदायक होगा। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने दूसरा नाम जसप्रीत बुमराह का लिया और कहा कि बुमराह के प्रदर्शन के आधार पर उसे भी ये रिवॉर्ड दिया जा सकता है और बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। तो विराट कोहली ने यहाँ भी इनकार कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक विराट ने कहा कि बुमराह पर वैसे ही गेंदबाजी यूनिट का लोड ज्यादा है और ऊपर से बुमराह ने कप्तानी कभी की नहीं है, लिहाजा बुमराह को वाइस कैप्टनशिप देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली को तीसरे विकल्प के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम दिया गया। जी हां, बोर्ड चाहता था कि केएल राहुल को लिमिटेड ओवर गेम में वाइस कैप्टनशिप देकर आगे के लिए तैयार किया जा रहा है, तो पंत को यहां टेस्ट मैचों में वाइस कैप्टनशिप देकर आगे के लिए तैयार किया जाए। मगर हैरानी भरे अंदाज में विराट कोहली ने इससे भी इनकार कर दिया। विराट ने कहा कि पंत को उपकप्तानी देना अभी जल्दबाजी होगी। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने ही केएल राहुल का नाम आगे किया और कहा कि वो लिमिटेड ओवर में वाइस कैप्टन है और आगे कप्तान भी बन सकता है और हम अगर उसको अभी से टेस्ट मैचों में उपकप्तान बनाएंगे तो मैसेज भी क्लियर होगा, लीडरशिप भी क्लियर होगी और विराट ने राहुल की जमकर पैरवी की। हालांकि बीसीसीआई चाहता था कि किसी सीनियर टेस्ट खिलाड़ी को कमान दी जाए जिसमें अश्विन का नाम सबसे ऊपर था, मगर विराट माने नहीं, इसे लेकर खासी बहस भी हुई और सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने साफ साफ कहा कि अगर केएल राहुल को आप उपकप्तान नहीं बनाओ तो फिर किसी को भी घोषित मत करो, हमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीतनी है, किसी को खुश नहीं करना। जबकि बोर्ड का साफ कहना था कि जिस खिलाड़ी की 6 महीने पहले तक टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 में जगह पक्की नहीं थी उसे उपकप्तान कैसे बना सकते हैं, और इसीलिए अश्विन का नाम आगे किया गया। मगर विराट कोहली अड़े रहे, अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, यानी मतलब साफ था कि विराट नहीं चाहते थे कि अश्विन या फिर बुमराह को उपकप्तानी मिले और जिसमें भी खास तौर पर अश्विन के खिलाफ विराट कोहली थी और विराट से अगला कोई विवाद ना हो, टीम में कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से फाइनली विराट कोहली की बात मानी गई और केएल राहुल का नाम उपकप्तान के तौर पर ऐलान कर दिया गया। हालांकि विराट ने टेस्ट सीरीज जीतने के लिहाज से बिल्कुल सटीक बात भी कही थी और राहुल अच्छे बल्लेबाज के साथ ही सीरीज में अच्छे लीडर भी साबित होंगे, मगर सीनियर खिलाड़ी अश्विन को अगर रिवॉर्ड मिलता, उपकप्तानी मिलती तो ये भी शायद बेहतर फैसला हो सकता था। तो आपको क्या लगता है, राहुल को इतनी जल्दी टेस्ट टीम की उपकप्तानी देना कितना ठीक है और क्या रवि अश्विन इसके हकदार नहीं थे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे यानी कि 26 दिसंबर से शुरू होगा। इस टेस्ट मैच के लिए तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। 2 दिन के बेहद कड़े क्वारंटीन के बाद टीम इंडिया की प्रैक्टिस नेट सेशन शुरू हो चुका है। अब नेट सेशन में प्रैक्टिस के दौरान जो दिखा वह हैरानी भरा था, क्योंकि यहां पर 2 गुट साफ दिख रहे थे, टीम में साफ साफ फूट दिख रही थी। राहुल द्रविड़ का गुट अलग दिख रहा था, विराट कोहली का गुट अलग दिख रहा था। जी हाँ, कप्तानी विवाद के बाद विराट कोहली बीसीसीआई से खासे नाराज हैं। विराट कोहली न सिर्फ बीसीसीआई बल्कि सौरव गांगुली, रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ से भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली को लगता है कि राहुल द्रविड़ के आने के बाद ही उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया गया, जबकि पहले ये तय था कि रोहित को सिर्फ T20 की कप्तानी दी जाएगी, मगर विराट को वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया और इसके बाद से ही विराट कोहली हेड कोच राहुल द्रविड़ से भी नाराज बताए जा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो विराट ने इसे लेकर बहुत सारी बातें भी कही थी। अब इसके बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका गई तो बीसीसीआई ने भी विराट की फोटो को अपने ट्वीट में शामिल नहीं किया। इधर जोहानिसबर्ग में नेट सेशन शुरू हुआ तो इसमें भी राहुल द्रविड़ और विराट कोहली में तलवारें खींची हुई दिख रही हैं। टीम सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, जबकि टीम का एक बड़ा धड़ा कोच राहुल द्रविड़ के साथ है और द्रविड़ की निगरानी में उनकी प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पर एक फुटबॉल मैच भी खेला गया जिसमें काफी सारे विवाद की खबर आ रही है। हालांकि ये फुटबॉल मैच प्रैक्टिस का ही था, मगर इसमें भी 2 टीमें साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि विराट की टीम में विराट के करीबी मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, केएल राहुल, पुजारा और रहाणे जैसे लोग शामिल थे, तो वहीं राहुल द्रविड़ की टीम में रवि अश्विन, बुमराह, मयंक अग्रवाल, रिद्धिमान साहा जैसे खिलाड़ी नजर आए। टीम में खिलाड़ियों के 2 गुट बने हुए साफ साफ दिख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ एक प्रैक्टिस मैच के लिए था, इससे ज्यादा कोई विवाद नहीं है, मगर तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया और साफ साफ दिखा दिया कि टीम में एक राय तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो दिक्कत है, और जिससे टीम में 2 फाड़ साफ साफ दिख रहे हैं। असल में विराट कोहली का मानना है कि राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं और रोहित को बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए टीम में ये दरार दिख रही है। अब जो भी हो, इस विवाद से टीम इंडिया को फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होगा। और विराट कोहली को हर हाल में ये समझना ही होगा, क्योंकि टेस्ट टीम के कप्तान अभी भी विराट कोहली हैं और विराट कोहली को इस टेस्ट सीरीज को जीतकर खुद को, खुद की कप्तानी को साबित करना है, खुद के नेतृत्व को साबित करना है। और विराट कोहली अगर सीरीज हारते हैं तो ये विराट के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, विराट को टेस्ट की कप्तानी से भी हटाया जा सकता है। और इसीलिए विराट कोहली को विवादों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, टीम को एक साथ लेकर चलना चाहिए और सीरीज को जीतने के लिए, टेस्ट मैच को जीतने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, हर तरह की कोशिश करनी चाहिए, हर खिलाड़ी को अपने साथ मिलाकर मोटिवेट करके आगे बढ़ना चाहिए। और हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ तो विराट कोहली के संबंध सबसे बेहतर होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, इन्हीं दोनों की जुगलबंदी टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच के साथ साथ पूरी सीरीज भी जितवाएगी। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, विराट कोहली को अब नाराजगी छोड़ नहीं देनी चाहिए, विराट को अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।